शिक्षा जगत के सभी समाचार आपको सबसे पहले मिले इसके लिए सब्सक्राइब करें नमस्ते सर यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को ऑल पर जरूर से प्रेस करके रखें। नमस्ते सर, COVID-19 की थर्ड वेव को देखते हुए 17 जनवरी 2022 को COVID-19 के जो भी आपके छुट्टियां होती हैं, जो पेड होती हैं या नहीं होती, उस बारे में एक नियम जिसमें चेंज किया गया है वो लिखे गए हैं। और नियमों में बात करें तो सबसे पहला सिचुएशन, तीन सिचुएशन बनती है जिसमें पहले सिचुएशन में लिखा गया है, व्हेन द गवर्नमेंट एम्प्लॉय हिमसेल्फ इज कोविड पॉजिटिव एंड इन द होम आइसोलेशन और क्वारंटीन। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय खुद कोविड पॉजिटिव हो जाता है और होम आइसोलेशन और क्वारंटीन में होता है, शैल बी ग्रांटेड टू कमिटेड लीव अप टू 7 डेज। उन्हें पेड लीव होगी, सवैतनिक अवकाश होगी, वो भी 7 दिन का मिलेगा। और आगे बताया गया कि उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव होना जरूरी है, तभी इनको अवकाश मिल सकता है। नेक्स्ट सेकंड बिंदु में लिखा गया है, देख सकते हैं आप, कि व्हेन द डिपेंडेंट फैमिली मेंबर ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट इज कोविड पॉजिटिव और पेरेंट्स वेदर डिपेंडेंट और नॉट लिविंग विद हिम और हर आर कोविड पॉजिटिव। अगर आपके साथ कोई पेरेंट्स हैं और वो अगर कोविड पॉजिटिव पाए जाते हैं या डिपेंडेंट फैमिली मेंबर है, चाहे वो आपके साथ, चाहे आपके डिपेंडेंट है या नहीं है, तो भी आपको लीव मिलेगी। लेकिन किस तरह से मिलेगी? द गवर्नमेंट सर्वेंट मे बी अलाउड टू वर्क फ्रॉम होम फॉर ए पीरियड ऑफ 7 डेज। 7 दिन के लिए अलाउ होगा विद द अप्रूवल ऑफ डिविजनल हेड की अप्रूवल से। आगे लिखा गया, इन दिस केस द डिस्क्रिप्शन ऑफ डिविजनल हेड शैल बी फाइनल। जो भी आपके डिविजनल हेड होंगे उन्हीं का डिसीजन फाइनल होगा। एंड द थर्ड पॉइंट इज द When the government servant comes into the direct contact of a COVID positive person, अगर कोई भी government employee direct contact में आ जाते हैं COVID positive person के, तो क्या होगा? The officer may be allowed to work from home for next 3 days and maximum of 7 days। 3 से 7 दिन के लिए work from home का उन्हें छूट दिया जा सकता है with the approval of divisional head की approval के बाद में ही। तो साथियों, ये थी COVID-19 पॉजिटिव पर्सन के कांटेक्ट में होना है, फैमिली मेंबर होना है, आप स्वयं कोविड पॉजिटिव होते हैं, तो किस तरह से आपको छुट्टियां मिल सकती हैं, जो सवैतनिक होगा या किस तरह से होगा। आगे भी आपको अपडेट मिले इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। बाकी आपका कोई प्रश्न है ज़्यादा तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखिएगा। धन्यवाद।